हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्फा मॉनिटर में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह खाली पेट चना खाने के बाद गलती से भी ना खाएं ये चीजें, वरना बन जाएगा जहर। कौन सी चीजें नहीं खानी है आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चने का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम चने का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारा वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही स्थितियों में यह बहुत ही कारगर होता है। चनों को भिगोकर सुबह नाश्ता बहुत से लोग करते हैं और उनको फायदा भी काफी होता है। पर यह तो बात हुई इसको खाने से होने वाले फायदों के बारे में, जिसको कि सब लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिनको जानना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कि आपको किन चीजों का सेवन चने खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नंबर एक, दूध। चने का सेवन करने के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सफ़ेद दाग की बीमारी झेलनी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है। इसीलिए कभी भी चनों के साथ दूध का सेवन ना करें या फिर चने खाने के तुरंत बाद दूध ना पिएं। नंबर दो, अंडा। अंडा और चना दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन फूड हैं। अगर इन दोनों को आप एक साथ खाएंगे तो यह रिएक्शन करते हैं जो हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हमको पेट संबंधी बीमारियों को झेलना पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी अंडे और चने का एक साथ सेवन ना करें। और दोस्तों, नंबर तीन है लहसुन का सेवन। पके हुए चने और पके हुए लहसुन को आप एक साथ खा सकते हैं, परंतु कभी भी भीगे हुए चने खाने के बाद लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको त्वचा संबंधी बीमारियां झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भीगे हुए चने खाने के बाद दूध, लहसुन और अंडा, इन तीन चीज़ों का कभी भी सेवन ना करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हमारे इस YouTube चैनल अल्फा मॉनिटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।